फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। आज दुनिया में हृदय रोग से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें बहुत सारी मॉर्टेलिटीज को हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रोका जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि हम अपने हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। उनमें सबसे पहला है अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करें। एक स्वस्थ व्यक्ति को 35 साल की उम्र के बाद हर साल अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक कराना चाहिए, जिससे कि शुरुआत में ही डायबिटीज की डायग्नोसिस बन सके और उसको मैनेज किया जा सके। एक डायबिटिक पेशेंट्स को 3 से 6 महीने में अपने ब्लड शुगर को HbA1c लेवल द्वारा मॉनिटर करना चाहिए और इसे 7 से नीचे रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला है अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखें। एक हेल्दी व्यक्ति को 20 से 40 साल की उम्र में हर 3 साल में अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक कराना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इंक्रीज सॉल्ट एंड ऑयल इंटेक एंड एज ग्रेटर देन 40, ऐसे लोगों को हर साल जो है अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए और अपने ब्लड प्रेशर को 130/80 mmHg के नीचे रखना चाहिए और अपने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 100 के नीचे रखने का प्रयास करना चाहिए और अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को 150 के नीचे रखना चाहिए। तीसरा है अल्कोहल और स्मोकिंग हमारे हृदय के बहुत बड़े दुश्मन है। हमको अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर इन आदतों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगला सजेशन है अपनी डाइट की हैबिट्स के बारे में। हमारा खानपान हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमको अपने खानपान में सीजनल फूड्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, डीप फ्राइड और रिफाइंड शुगर से बने हुए खाद्य पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमको 24 घंटे में 12 से 15 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार हमको प्रतिदिन आधे घंटे की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 5 दिन जरूर करना चाहिए। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और कोई आउटडोर गेम खेल सकते हैं। हमें अपने खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज के बल पर अपने वजन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने बॉडी मास इंडेक्स को 24.9 kg/m² के नीचे रखने का प्रयास करना चाहिए। अगला और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव, हमको प्रतिदिन आधे घंटे योगा एवं मेडिटेशन के अभ्यास के लिए देना चाहिए, क्योंकि योगा और मेडिटेशन हमारे मन से चिंता, तनाव, भय और क्रोध को मिटाकर मन को शांति प्रदान करता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को नियंत्रित करके हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत ही मदद करते हैं। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी नींद के बारे में। हमको रात में जल्दी सोकर 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना हमारे हृदय और पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमको हर संभव प्रयास करना चाहिए ये नेचुरल रेमेडी नींद की, साउंड स्लीप की हमारी कभी डिस्टर्ब ना हो और हम अच्छे से अपनी नींद लें। दोस्तों, इन सुझावों का पालन करके हम अपने हृदय की 70% से 80% की बीमारियों को बचा सकते हैं और अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आयु को दीर्घायु बना सकते हैं। धन्यवाद।